माल देख रहे हो ना दोस्तों आप। हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम दोस्तों, और प्यारी से गुड मॉर्निंग। 9:30 बज गया दोस्तों, और भाई पूरा दिन पूरी रात लगा के फैक्ट्री में आपके भाई ने कर ली है गाड़ी लोड। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको मेरी गाड़ी कैसे लोड हुई है और क्या माल लोड हुआ है। तो देखो दोस्तों मेरी गाड़ी लोड हो चुकी है, ये अपना गाड़ी का माल हुआ है लोड, और वो हम लगा रहे हैं बत्ता भी करते हैं इस पर रस्सा तिरपाल, और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर में। माल देख रहे हो ना दोस्तों आप, इनका बनता है ये वाली चादर, ये चादर बनती है दोस्तों इन वाली। अब देखते हैं दोस्तों चलेंगे, बहुत दिनों बाद दोस्तों गाड़ी लोड हुई अपनी। हम कर रहे हैं पर इस पर रस्सा तिरपाल, फिर मिलते हैं दोस्तों रस्सा तिरपाल करके मिलेंगे हम। वो देखो दोस्तों चिमनी हो गया अपना रस्सा तिरपाल, रस्सा तिरपाल हो गया दोस्तों। अब बाहर निकल के इस पर रस्सा मारेंगे। चलते हैं दोस्तों, तो आ गया हूँ गाड़ी पे, और ये देखो गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं और अब निकलते हैं दोस्तों हम कांटा कराने, और निकलते हैं दोस्तों चलो कांटा करवाते हैं, उसके बाद देखते क्या होगा, फिर मिलेंगे दोस्तों कांटा करवाने के बाद। ज़्यादा छूट नहीं लेना दोस्तों इसका, कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी है, पतला हो गया इसका। दोस्तों ये आ गए हम कांटे पे, देखो ये इसका केरिया का कांटे हैं, 1 2 3 4 2 2 4 5 6 7 8 कांटे लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ 8 कांटे लगे हुए हैं। और पहले हमारे से पहले राजस्थान की गाड़ी है, और फिर वो उड़ीसा की गाड़ी है, और ये डंपर हो जाएगा आपका। अभी देखते हैं दोस्तों कितनी देर में कांटा हुआ पूरी। हमारी गाड़ी दोस्तों रात के 2 बजे लोड हो गई थी, और वही दोस्तों मैं 2 बजे का जाग ही रहा था, 10 बज गए, 10 बजे इन्होंने कागज दिए, मतलब ये देखो 10 बज रहे हैं, 10 बजे इन्होंने मेरे को कागज़ दिए, 11 ही बजने वाले हैं। मतलब देखो ऐसा है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कोई कदर नहीं है। देखो प्लांट भी बहुत तगड़ा है दोस्तों, बिजली का प्लांट, इन प्लांटों में थोड़ी सेफ्टी और होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे पेपर प्लस डीओ, और ये देखो कांटा पर्ची भी। पार्किंग में और जग्गे वीरे की गाड़ी पे चलते हैं दोस्तों, जग्गा वीरा क्या कर रहा है देखते हैं। ये है जग्गे वीरे की गाड़ी दोस्तों, की करदा पे हैं तो डाल दिया रस्सा तिरपाल उस्ताद ने अपनी गाड़ी में, और हम भी डालते हैं, हमने डाल रखी, हमने तो पीली डाल दी, पर रस्से रस्से मारने रह रहे। और दोस्तों ये हो गया हमारा रस्सा तिरपाल, ओके एकदम, कोई दिक्कत हो तो बता देना दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रस्सा तिरपाल। और ये देखो दोस्तों हमारी गाड़ी का दूसरा स्टाफ भी आ चुका है, और ये हमारे रस्सा तिरपाल चेक कर रहा है कि हमने कैसे किए हैं। और भाई कैसे हैं, ठीक है, हमारा रस्सा तिरपाल गिर मत जाइयो, कभी बुढ़ापे में टंगी, कभी बुढ़ापे में टंगड़ी टूट जाए, जुड़ती ना बुढ़ापे में टंगड़ी टूट जाए, आते सोना मुंडा लग रहा है एकदम सोना सोना ग्रीन ग्रीन। सो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, आपके पीछे से भी अंदर से भी रस्सा तिरपाल हो गया है। अब दोस्तों कैंटीन चलते हैं, हाथ धोएंगे और कुछ नाश्ता पानी करेंगे, भूख लग रही है। वैसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे लगता नहीं है, 11:30 हो गया, देखते हैं फिर भी कोशिश करके। दोस्तों कितनी सारी ब्लू सिग्नल BS6 AC में है दोस्तों, सारी गाड़ियाँ टोटल ट्रक AC में है, बहुत बड़ी कंपनी है, हरियाणा नंबर ही है उसकी, हरियाणा की होगी फिर, बहुत बड़ी कंपनी। और भाई चलते चलते आ गया दोस्तों, ये है कैंटीन का व्यू, कैंटीन इस फैक्ट्री की क्या व्यू है देखो आप, देख आने के लिए तो खैर कुछ मिला नहीं सुबह से, नाश्ता पानी कुछ नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों गाड़ी ऐसे टाइम पर उन्होंने करी लोड। अब दोस्तों मुँह हाथ धोया जाएगा और फिर नहाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद लंच टाइम में, अभी देखते हैं कब मिलते हैं, मिलते हैं फिर दोस्तों थोड़ी देर में।
व्यू दिखा देता हूँ आपको, व्यू देखना ये टेबल्स हो जाती हैं इतनी सारी, काफ़ी अच्छा व्यू है, पेड़ भी हैं इतने बढ़िया, बहुत सही है कैंटीन का व्यू। और ये नल हो जाते हैं दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप कितने काले काले हैं, कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों ये है लोहे का एरिया है ना, लोहे का तो इस करके काले हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत साफ़ फैक्ट्री है, इतनी साफ़ फैक्ट्री मैंने आज तक नहीं देखी। फाइनली भाई दोस्तों आपका भाई नान हो के रेडी हो चुका है और अब जा रहा हूँ मैं कैंटीन में खाना खाने, और कपिल भी जा रहा है दोस्तों, ये तो नहाए नहीं, कुल्ली नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम। खाना तो बढ़िया है, खाना बढ़िया है दोस्तों, यहाँ का कैंटीन का खाना बढ़िया है, मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। दोस्तों फाइनली हमने खाना खा चुके हैं और आपका भाई गाड़ी में भी लेट चुका है, भाई तो नहाया नहीं है दोस्तों कपिल, हम तो नहा लिया भैया दोस्तों, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब जब कागज मिलेंगे मिलेंगे, देखते हैं अब कब मिलते हैं, गाड़ी हमारी लोड हो गई, रास्ता हमने तिरपाल हमने कर दिया और चलता है अब आपका भाई सोने, और मिलते हैं दोस्तों जब सो के उठेंगे। और शाम के बज गए हैं दोस्तों 5, हम आ गए हैं दोबारा कैंटीन में, और ये क्या क्या ये हमारा शाम का नाश्ता होने वाला है, मिलते हैं दोस्तों नाश्ता करने के बाद। हो गया हमारा काम, सारे कागज हमको मिल चुके हैं और हम निकल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी और जा रहे हैं दोस्तों बाहर, अभी गेट पास कराने गया है कपिल, और देखते हैं क्या क्या रहने वाला है, अभी बाहर जाना है गाड़ी में, वो ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, उधर कागज बनवाएंगे दोबारा, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अभी हम दोस्तों जस्ट अभी निकले हैं दोस्तों फैक्ट्री से, सारा काम कम्प्लीट हो गया है, पेपर मिल गए हैं, बस अब हमारा काम रह गया दोस्तों बिल्टी बनवाने का, अब जस्ट हमारी 10-12 किलोमीटर पे ट्रांसपोर्ट है, वहीं जाएंगे बिल्टी बनवाएंगे, डीजल टैंक फुल कराएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीजल कितने का आ गया है मेरी गाड़ी में, और देखते हैं दोस्तों फिर कितना लंबा आज चलेंगे, कैसे कैसे हमारे रूट होने वाले हैं, और माल दोस्तों मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा हमारा माल कब तक कहाँ था है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों 11 दिन बाद हमें माल मिला है, मतलब मार्केट में दोस्तों माल ही नहीं है, पूरी मार्केट सूखी पड़ी है, माल नहीं है दोस्तों, माल भी नहीं है भाड़ा भी नहीं है, देखते हैं क्या रहने वाला है दोस्तों, ट्रक लाइन का काम कैसा रहने वाला है आगे इस साल में, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और देखते हैं अभी डीजल कितने का आएगा दोस्तों, मिलते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट में जाके, मिलते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट। तो अब चलते हैं हम, हमारा सफर हो गया चालू, और कल अपने लोकेशन रिवील हो जाएगी दोस्तों हम कहाँ जाने वाले हैं, अभी तो दोस्तों हम जाएंगे भारत के पंपे में, भारत के पंपे पहले डलाएंगे तेल और कागज हमारे ओके हो चुके हैं, बस अब निकलते हैं भारत के पंपे पे, देखते हैं भारत का पंपा कितनी दूर है अभी यहाँ से, वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट है अपनी, वहाँ ट्रांसपोर्ट है दोस्तों अपनी, हमारा काम हो गया है ट्रांसपोर्ट से अपना बढ़िया, और अब चल रहे हैं दोस्तों भारत के पंपे पे तेल डलाएंगे और बताऊंगा तेल कितने का आएगा, कागज हमारे ओके हो चुके हैं, हमारा सफर चालू हो गया दोस्तों, अब देखते हैं कितने दिन में पहुंचते हैं, कल को अपनी लोकेशन रिवील कर देंगे दोस्तों हम कहाँ हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, मतलब अभी तो दोस्तों चलते हैं, पंपा आ गया दोस्तों सामने ही पंपा आ गया हमारा। भारत के पंपे आ चुके हैं और डला रहे हैं हम तेल, और दोस्तों ये हमारा मीटर चालू हो चुका है और फुल टैंक होगी हमारी टंकी, और बताया जाएगा अभी आपको कितने का डीजल आने वाला है। और दोस्तों आपको पता है क्या, डीजल बहुत महंगा है, 103 रुपए लीटर है उड़ीसा में, और आज का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, देखेंगे कैसे कैसे सफ़र कटेगा हमारा, और ये गाड़ी हमने लगा दी है, भाई तेल डाल रहा है, और कपिल वाइट टायर चेक कर रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है रोबिन ट्राला ब्लॉग, उधर मोबाइल निकालना इसका भाई का, भाई हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने वाले हैं दोस्तों,
ये हमारे दोस्त बन गए हैं दोस्तों, भारत के बंबे में। कहाँ से हो दोस्त आप? मेरा गाँव कुचिंडा और ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है। झारसुगुड़ा का ही कोचिंडा? कोचिंडा है, कोचिंडा कोटिंजा कोचिंडा हमारा सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है, सामने ही है। पगार कितना मिलता है यहाँ? पगार कितना भाई? 8,500। 8,500 रुपये मिलता है भाई को। कितने घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी है हमारे भाई की दोस्तों। अभी हम तेल फुल टैंक हो जाएंगे, उसके बाद बताते हैं कितने का टैंक तेल आएगा हमारी गाड़ी में। तो ये अभी बहुत तगड़ा रहने वाला है, और मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। और ये देखो दोस्तों 32,000। फाइनली दोस्तों हमारा डीजल टैंक फुल हो गया है 32,300 रुपए में, और लीटर, सॉरी मैं भूल गया हूँ दोस्तों, लीटर मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगा आपको। वैसे इसमें है, इस ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों गाड़ी का काम बहुत हार्ड चल रहा है, और अभी गाड़ी को भी मत बनाओ दोस्तों। जब भी हम वो होगा मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा जब आपको बनानी होगी। तो अभी मत बनाना दोस्तों ट्रालर, अभी करेंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, और सबको प्यारी सी गुड नाइट और जय श्री राम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। और आज हम देखते हैं राउड किला तक चलेंगे दोस्तों, और राउड किला का सफर बहुत लंबा है, 150 है, कम से कम 150-180 किलोमीटर। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, बाय बाय।